देखो फ्रेंड्स तड़का हो गया, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है, अच्छा टेस्ट आ रही है। ऐसा बना के आप लोग खा लीजिए, कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्रीज किचन में स्वागत है। आप लोग कैसा है, भगवान दया से सब अच्छे हैं, सब हेल्दी है, सब खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को आप लोग के लिए मेरे के लिए भी प्रेयर कर रही है। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों को सामने लेके आई हूँ टमाटर का चटनी। ये टमाटर का चटनी हम लोग इडली में, डोसा में, उत्तपम में, वड़ा में, हाँ सब में खा सकते हैं, चावल में भी मिक्स करके खा सकता है। ये कैसा बनाने का दिखाती हूँ। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरा चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज का टमाटर लिया है, 3 लिया है मैंने, और 2 हरी मिर्ची लिया है लंबा वाला, एक ऑनियन बड़ा वाला ले लिया है, और 4-5 कली गार्लिक लिया है, लहसुन लिया है मैंने, इमली थोड़ा सा इमली डाला है, क्यों आजकल टमाटर में खट्टा नहीं रहता है ना, बिल्कुल खट्टा नहीं होता है। और आप लोगों को ऐसा पसंद है तो इमली मत डालिए, मैं थोड़ा सा इमली लिया, 1 इंच का इमली है वो डालेगा ना बढ़िया टेस्ट आ जाता है। आप लोग देखना, नींबू डालेगा तो भी नहीं आता है, ये इमली का टेस्ट अलग है, नींबू का अलग टेस्ट है, अमचूर का भी अलग टेस्ट आ जाता है, इसलिए थोड़े से इमली डाल दीजिए, बढ़िया टेस्ट आ जाता है। 1 टेबलस्पून चने दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 2 लाल मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और 1 टेबलस्पून राई, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने कलर के लिए डाल दिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट कलर भी आता है ना, ये ज्यादा तीखा नहीं रहता है। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, हिंग लिया है 1/2 टीस्पून, ये हिंग जरूरी है, टमाटर चटनी में बहुत खुशबू बहुत टेस्ट आ जाएगा, पेट को भी अच्छा है ना, हेल्थ को भी अच्छा है। मैंने खुशबू चले जाएगा करके मैंने ढक्कन रख दिया। कैसा बनाने का दिखाती हूँ। अभी गैस चालू कर रही है कढ़ाई के लिए, मैंने मीडियम में रखा है गैस को। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, देखिए 1 टेबलस्पून डाल दिया, 1/2 टेबलस्पून मैंने चने दाल डाला है, 1/2 टेबलस्पून उड़द दाल डाला है, बाकी बचा हुआ है ना वो तड़का, ऊपर से तड़का डालने के लिए, देख ना अभी कलर चेंज हो गया। 1 टीस्पून राई डाल दिया, बाकी तड़का के लिए रखा है मैंने। अभी हिंग डाला है, हरी मिर्ची डाल दिया है मैंने, अभी लहसुन का फल्ली डाल दिया, देखिए अभी प्याज डाल देंगे हम, थोड़ा सा भूनेगा ना बाद में टमाटर डाल देंगे, ये तो कच्चा स्मेल आ जाएगा, तड़का जल जाएगा ना टेस्ट नहीं आएगा, चटनी अच्छे टेस्ट नहीं आता है, इसलिए सब रेडी रख के आप लोग गैस चालू करके सब फटाफट डाल दीजिए। हम लोग दाल डालेगा, राई के ढूंढेगा, सब तक जल जाएगा, भूल भी जाता है हम लोग गाय गाय में ना, जल जाता है करके डाला नहीं डाला भूल जाते हैं, इसलिए सब सामने रख के गैस चालू करके तड़का डाल दीजिए। अभी ये हो गया ना थोड़ा सा, अभी हल्दी डालती हूँ, देखिए हल्दी डाल दिया मैंने, अभी बहुत सारे ऑयल का जरूरत नहीं, 1 टेबलस्पून डाल दीजिए, बाद में तड़का में ऊपर डाल देंगे ना उसको बराबर हो जाएगा। अभी हो गया ना, ये थोड़ा सा भुना हो जाएगा, अभी टमाटर डाल देंगे। अभी ये इमली क्लीन करके रखा है मैंने, एकदम साफ करके रखा है, इसी के अंदर डाल देंगे, ये इसके अंदर डाल देंगे ना गल जाएगा ना जल्दी, मिक्सी में पीसने के लिए आसान पड़ेगा इमली। अभी हो गया, अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम लोग, आप लोग को कितना नमक चाहिए उतना डाल दीजिए, मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया, आप लोग को कितना नमक चाहिए वो हिसाब से आप लोग डाल दीजिए। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल है, बोलने के लिए बहुत लगता है, फटाफट आप रख के वीडियो देख के बनाएंगे ना 15 मिनट में चटनी बन जाएगा। अभी ढक्कन रखती हूँ, एकदम सिम में रख दीजिए, 5 मिनट के लिए हम लोग ढक्कन रखेंगे, थोड़ा बीच में हिलाते रहना नहीं तो नीचे से जल जाएगा, 2 मिनट के बाद देखने एक बार हिलाइए। देखा फ्रेंड्स अभी टमाटर कैसा बन गया देखेंगे, वाह हो गया एकदम अच्छा हो गया। अभी गैस बंद कर रही है, पक गई ना, कश्मीरी लाल मिर्ची है वो भी डाल दिया, कश्मीरी लाल मिर्ची में ज्यादा तीखा नहीं रहता है ना, इसलिए वो भी डाल दिया, कलर के लिए अच्छा कलर दिखेगा चटनी, अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। अभी गैस बंद कर रही है, अभी ठंडा होने के बाद मिक्स में चटनी बना के दिखा दूंगी। अभी ठंडा हो गया, मिक्सी जार में डाल रही है मैं, एकदम पीसने का नहीं, 2 बार
हल्का सा घुमा लेकर, ज्यादा पेस्ट नहीं करने का तो टेस्ट नहीं आएगा। एक बार सिर्फ ऐसे, एक बार ऐसा, एक बार ऐसा, आधा आधा मिनट के लिए, ज्यादा घुमाने का नहीं, पल्स कर दीजिए। अभी मैंने पीस के लेके आए, देखने अच्छा लग रहा है, ज्यादा पीसने का नहीं, एक दो, एक बार पल्स करना, दो बार करना, बहुत अच्छे, एकदम पेस्ट होगी तो मजा नहीं आता है, एकदम ऐसा करेगा मिक्स करने में, खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। थोड़े से दरदरा रहने दीजिए, एकदम नहीं, थोड़ा सा हल्का सा हो गया। अभी तड़का दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी बाउल में ट्रांसफर कर रही मैं, डोसा में, इडली में भी, और रोज नारियल चटनी नहीं खाएंगे तो ये बना के खा सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है, तीखा तीखा अच्छा टेस्ट आ जाता है। इडली में, डोसा में, उत्तपम में, चावल में भी खा सकते हैं, रोटी में भी खा सकते हैं, आप लोग को पसंद है तो ऐसे बना के खा लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स अभी तड़का दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी गैस चालू कर रही है। अभी एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, थोड़ा एक टेबल स्पून डाल दिया। ये रिफाइंड ऑयल से हम लोग सिंगदाना तेल, मूंगफली का तेल, नहीं तो तिल का तेल से चटनी तड़का लगाएंगे ना, वो टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है, बहुत ही अलग ही रहता है। उससे तड़का लगाइए आप, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये रिफाइंड ऑयल में कुछ खुशबू नहीं होता है ना, टेस्ट भी नहीं होता है, रिफाइंड करता है ना, इसलिए आप लोग सिंगदाना नहीं तो तिल का तेल में तड़का लगाएगा और डबल टेस्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अभी मैंने इसके अंदर बचा के रखा है ना आधा टीस्पून चने दाल, आधा टीस्पून उड़द दाल, थोड़ा सा इसको कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो गया। अभी थोड़ा ड्राई डालेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, कड़ी पत्ता डाले, गैस बंद कर दिया मैंने, थोड़ा सा हींग डाल दिया, बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, लाल मिर्ची भी डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्ची गर्म हो जाएगा ना। देखो फ्रेंड्स तड़का हो गया, कितना बढ़िया खुशबू आ रही है, अच्छा टेस्ट आ रही है। ऐसा बना के आप लोग खा लीजिए, कैसा बन गया, कैसा टेस्ट आया, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, आप लोग को परिवार को, आप लोग को फैमिलीज को, आप लोग को फ्रेंड्स को मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।